जय हिंद सभी को राम राम सभी को भाई तो आज जो अपनी क्लास है ये क्लास नंबर नौ है अभी तक आठ क्लास हो चुके हैं जिन्होंने अभी तक आठ क्लास नहीं देखी है छः से बारह जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं हम उस सीरीज में आठ क्लास हो चुके हैं जो वो आठ क्लास आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल यूट्यूब में लाभ सिंह नैन लिखोगे तो यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा और यूट्यूब चैनल ओपन होगा तो वहाँ पर प्ले में चले जाना प्ले में छः से बारह कंप्यूटर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको ये आठों क्लास जो है मिल जाएंगी ठीक है ना? तो आइए करते हैं शुरू लाभ सिंह चैनल पर फिर से आपका स्वागत है 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 आज आज जो क्लास नो है, जो क्लास इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है वो है क्या क्या मेरे भाई आपका आउटपुट आउटपुट डिवाइस डिवाइस है, है। यानी कि सबसे पहले जो हम इनपुट देते हैं सबसे पहले क्या देते हैं इनपुट देते हैं उसके बाद क्या होती है उसके बाद होती है मेरे भाई प्रोसेसिंग क्या होती है प्रोसेसिंग होती है और फिर क्या मिलता है हमें आउटपुट मिलता है फिर क्या मिलता है आउटपुट मिलता है यानी कि सबसे पहले हमने माउस और कीबोर्ड से जो है इनपुट दिया और फिर यहाँ मॉनिटर में प्रिंटर से हम क्या लेंगे आउटपुट Output... लेंगे भाई हमने ये डिवाइस पढ़ ली थी कि किन किन की सहायता से कंप्यूटर को कुछ समझाया जा सकता है हमने देखा था कि माउस की सहायता से कुछ समझाया जा सकता है हमने देखा था की की सहायता से कंप्यूटर को कुछ बताया जा सकता है कंप्यूटर से बात की जा सकती है अभी हम देखेंगे कि कंप्यूटर आगे किसके कि कौन सी डिवाइस की सहायता से हमें वापस समझाएगा उस चीज को तो कौन सी डिवाइस की सहायता से समझाएगा आउटपुट डिवाइस की सहायता से आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर सूचना को बाहरी संसार में भेजता है बाहरी संसार मतलब हम तक भेजता है यहाँ पर हम बैठे हैं ठीक है ना यहाँ पर हम बैठे हैं सर्वाधिक सामान्य आउटपुट डिवाइस जो सबसे सामान्य रूप की इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है एक तो मॉनिटर है मेरे भाई एक प्रिंटर है मेरे भाई कौन सी कौन सी है एक मॉनिटर है मेरे भाई एक प्रिंटर है मेरे भाई एक मॉनिटर और प्रिंटर है तो सामान्य रूप के आउटपुट डिवाइस है जिसको जिसको हम हम कहेंगे कहेंगे और प्रिंटर आउटपुट को स्क्रीन पर या कागज पर प्राप्त कर सकते हैं जो स्क्रीन पर प्राप्त होती है उसे कहा जाता है मेरे भाई सॉफ्ट कॉपी क्या कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है और जो कागज पर प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है हार्ड कॉपी क्या कहा जाता है हार्ड कॉपी कहा जाता है जो कागज पर प्राप्त होती है वो हार्ड कॉपी जो स्क्रीन पर प्राप्त होती है वो क्या होती है सॉफ्ट कॉपी होती है मेरे भाई. ना तो ये आउटपुट डिवाइसेस जैसे ये प्लूटर नाम है इसका क्या नाम है इसका प्लूटर नाम है इसका ये मोनिटर है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ इसका नाम मेरे भाई प्रिंटर है इसका नाम क्या है प्रिंटर है इसका नाम क्या है मेरे भाई प्रोजेक्टर है क्या नाम है इसका प्रोजेक्टर है ठीक है ना तो इनके ये ये नाम है लेकिन आज हम बेसिक और सामान्य डिवाइस पढ़ने वाले हैं वो कौन सी कौन सी देखेंगे भाई सबसे पहली सबसे पहली पहली डिवाइस डिवाइस ये वाला आप देख चुके हो ना जो टीवी की तरह की स्क्रीन होती है जो पहले भी पढ़ा मैंने लेकिन अब डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में तो स्क्रीन आउटपुट यानी कि स्क्रीन से आउटपुट जो होता है वो कौन सी कौन सी स्क्रीन से होता है इससे और ये क्या होती है इसे क्या बोला जाता है मोनिटर क्या बोला जाता है इसे मोनिटर बोला जाता है जिसे हम डिस्प्ले डिवाइस कह चुके हैं क्या कह चुके हैं डिस्प्ले डिवाइस क्योंकि मोनिटर भी हो सकता है हम एल हम तो एल लगाएंगे एल भी हो सकती है हम तो प्रोजेक्टर लगाएंगे वो प्रोजेक्टर भी हो सकता है तो देखो मेरे भाई मोनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट मोनिटर कहो या क्या कहो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वी डी यू शॉर्ट फॉर्म क्या है वी डी यू फॉर्म क्या है शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले इनपुट अंशों को टाइप होते हुए देखा जा सकता है कहां पर यहां पर जो चीज कीबोर्ड से टाइप होगी वो चीज कहां देखी जा सकती है मॉनिटर पर कहा देखी जा सकती है मॉनिटर पर ये कंप्यूटर से संदेश प्राप्त करने में आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करते हैं भाई कंप्यूटर इधर काम करेगा और कंप्यूटर से जो है संदेश प्राप्त करेंगे ये और यहाँ पर हम बैठे होंगे हमें ये दिखाई देंगे ठीक है ना मॉनिटर मॉनिटर जो है श्वेत श्याम श्वेत श्याम या रंगीन टीवी जैसे श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं स्क्रीन पर टेक्स्ट या ग्राफिक ग्राफिक क्या होता है ग्राफिक होता है मेरे भाई फोटो इमेज वीडियो इत्यादि इत्यादि ठीक है ना टेक्स्ट होता है मेरे भाई ए बी सी डी एक्स ओके के रूप में परिणाम दिखाता है हम टेक्स्ट दर्शाने के लिए दर्शाने वाले मोनिटर के लिए रो और कॉलम रो और कॉलम का तथा ग्राफिक दर्शाने वाले मोनिटर के लिए बिंदुओं का प्रयोग करते हैं जो मॉनिटर टेक्स्ट दर्शाता है क्या दर्शाता है मेरे भाई अल्फाबेट दर्शाता है ठीक है ना जो मोनिटर अल्फाबेट दिखा दर्शाता है जो मोनिटर कुछ भी नंबर ए बी सी डी एक्स वाई जेड दिखाता है ए से लेकर के जेड तक उसके लिए रो का प्रयोग करते हैं और जो मोनिटर ग्राफिक दर्शाता है यानी कि फोटो दर्शाता है उसके लिए बिंदुओं का प्रयोग करते हैं किस चीज का प्रयोग करते हैं बिंदुओं का यानी कि डॉट का प्रयोग करते हैं मेरे भाई किसका प्रयोग करते हैं डोट का प्रयोग करते हैं और ये जो डोट है ये इस मोनिटर पर दिखाई देने वाली सबसे छोटी इकाई है क्या है ये पर दिखाई देने वाली क्या है सबसे छोटी इकाई है मेरे भाई और इसे फोटो की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है फोटो की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता ठीक है ना तो चलिए नेक्स्ट ये था मोनिटर ये क्या था मोनिटर क्या था ये मॉनिटर जिसे हम वी डी यू कह रहे हैं कई बार ये भी पूछा आता है कि मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है वी डी यू विजुअल डिस्प्ले यूनिट बात समझ आई सभी को चलिए नेक्स्ट भाई इसके बाद है प्रिंटर इसके बाद क्या है प्रिंटर है मेरे भाई दूसरा आउटपुट डिवाइस हम क्या पढ़ रहे हैं प्रिंटर पढ़ रहे हैं भाई तो लाइन प्रिंटर इसमें आ गया प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं बहुत प्रकार के प्रिंटर होते हैं लेकिन आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं सिर्फ हम बेसिक प्रिंटर पढ़ रहे हैं और ये वाले भी पुराने वाले पढ़ेंगे नए वाले अभी इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम नए वाले भी पढ़ेंगे ठीक है ना तो लाइन प्रिंटर लाइन प्रिंटर एक ही समय में टेक्स्ट की टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर या शब्द कोई भी एक लाइन छापते हैं टेक्स्ट की एक समय में कितनी से तीन हजार लाइन छाप सकते हैं यानी कि इसकी स्पीड यानी कि गति गति कितनी है मेरे भाई इसकी इसकी गति है तीन 300 से तीन हजार लाइन इस कौन से प्रिंटर की है 3000 लाइन एक मिनट में छाप सकता है एक मिनट में छाप सकता है कौन सा प्रिंटर है लाइन प्रिंटर है कौन सा प्रिंटर है मेरे भाई लाइन प्रिंटर है और ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर लाइन प्रिंटर के उदाहरण है लाइन प्रिंटर में दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं एक तो चेन आता है और एक आता है ड्रम प्रिंटर दो प्रिंटर जो है ये लाइन प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर शोर करने वाले तथा महंगे होते हैं ड्रम प्रिंटर की ये नुकसान है ड्रम प्रिंटर का ये महंगे होते हैं और शोर बहुत करते हैं ये एक मिनट में जो ड्रम है 200 से 2000 तो लाइनें छाप सकते हैं इसी में जो ड्रम है ड्रम ड्रम प्रिंटर जो है मेरे भाई क्या है ड्रम प्रिंटर ये क्या है 200 से 2000 तो लाइन पर मिनट छाप सकते हैं 2000 लाइन पर मिनट छाप सकते हैं मेरे भाई कौन से वाले ड्रम प्रिंटर और ये वाले कौन से थे जिसकी सामान्य गति थी लाइन प्रिंटर और सामान्यतः लाइन प्रिंटर में कौन से वाले की बात हो रही थी चेन प्रिंटर की बात हो रही थी कौन से वाले प्रिंटर की चेन प्रिंटर की बात हो रही थी मेरे भाई क्लियर है बात सभी को इनमें अक्षरों की पंक्ति ड्रम पर उभारी जाती है उसमें वो जो ड्रम वाला प्रिंटर होता है ना वो गोल गोल प्रिंटर होता है क्या होता है मेरे भाई वो गोल गोल प्रिंटर होता है कुछ इस तरीके का और इसी पर जो है अक्सर क्या होते हैं लिखे होते हैं भाई इसी पर अक्सर क्या होते हैं लिखे होते हैं तो प्रिंटर यहाँ से कागज जो जाता है और प्रिंट छपता है मेरे भाई कागज जाता है और प्रिंट क्या होता है इसके ऊपर छपता रहता है तो ये कौन सा प्रिंटर था चेन प्रिंटर थे सॉरी लाइन प्रिंटर था लाइन प्रिंटर में दो प्रकार के एक चेन प्रिंटर एक ड्रम प्रिंटर दो प्रकार के प्रिंटर थे यहाँ पर और इनकी स्पीड जो थी नॉर्मली 500 से लेकर के 3000 लाइन पर मिनट लेकिन जो ड्रम है उसकी थोड़ी कम थी वो शोर भी करता है महंगा भी है 200 से 2000 लाइन पर मिनट जो है वो छापता है मेरे भाई क्लियर चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रिंटर है कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है कैरेक्टर इससे पहले कौन सा था लाइन प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर में एक बार में एक अक्षर छापते हैं उसमें एक बार में एक लाइन इसमें एक बार में एक अक्षर ही छापेंगे ये लाइन प्रिंटर की तुलना में कम गति वाले होते हैं इसमें एक मिनट में तीन से तीस से तीस तीन सौ अक्षर छाप सकते हैं भाई स्पीड कितनी है इसकी जो स्पीड है गति जो है वो कितनी है मेरे भाई इसकी गति है तीस से तीन अक्षर पर मिनट तीन अक्सर एक मिनट में छाप सकते हैं भाई ठीक है ना एक मिनट में तो ये कैरेक्टर है एक समय में एक ही कैरेक्टर छापेंगे एक समय में क्या छापेंगे एक बार में एक ही कैरेक्टर छापेंगे इसके दो टाइप हैं। डॉट मैट्रिक्स और व्हील डे दे, व्हील प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है यानी कि कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार का हो गया कौन से कौन सा हो गया मेरे भाई एक तो डॉट मैट्रिक्स हो गया और एक हो गया डेजी व्हील कौन सा हो गया मेरे भाई डेजी व्हील प्रिंटर हो गया ठीक है ना खास बात देख लो एक नोट करने वाला पॉइंट एक और आता है इसमें टोट मैट्रिक्स प्रिंटर में सात नौ चौदह अठारह चौबीस समूह की लंबवत यानी कि वर्टिकल यानी कि ऐसी पिन होती हैं ध्यान रखना सात हो सकती हैं नौ हो सकती हैं चौदह हो सकती है चौबीस हो सकती हैं सात नौ चौदह अठारह और चौबीस तक इसमें ऐसी ऐसी लंबी पिन होती हैं और ये पिन इसकी क्वालिटी बताती है ठीक है ना तो ये वाला पढ़ा हमने अभी तक कौन से वाला आज जो हमने पढ़ा है वो आउटपुट डिवाइस पढ़ा है और आउटपुट डिवाइस में हमने क्या देखा कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर से डेटा लेकर के यूजर को दिखाती हैं यूजर कौन होता है जो कंप्यूटर को चलाता है वो यूजर होता है तो कौन सी कौन सी आउटपुट डिवाइस सामान्य तौर पर आउटपुट डिवाइस प्रयोग होने वाली है मोनिटर और प्रिंटर हमने दो ही पढ़ी है मोनिटर पढ़ा कि मोनिटर जो है वो वीडियो कहलाता है क्या कहलाता है वी डी विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है वीडियो होता है मॉनिटर और दूसरा हमने पढ़ा प्रिंटर जो कि हमने दो प्रिंटर पढ़े एक लाइन और एक कैरेक्टर लाइन में दो पढ़े कौन से कौन से चैन और ड्रम और जो कैरेक्टर प्रिंटर उसमें दो पड़े मैट्रिक्स और डेजी व्हील फर्क क्या था लाइन वाला एक लाइन पर मिनट छापता है एक लाइन नहीं बल्कि 300 से लेकर के 3000 लाइन पर मिनट छापता है यानी कि वो एक लाइन छापता है और ये कैरेक्टर प्रिंटर वाला एक कैरेक्टर छापता है एक समय में और ये तीस से लेकर के तीन सौ कैरेक्टर पर मिनट छापता है वो वाला जो है तीन सौ से लेकर के तीन हजार लाइन पर मिनट छापता है उसमें ड्रम जो था दो सौ से लेकर दो हजार लाइन पर मिनट छाप रहा था तो ये वाला जो जो मैंने चीजें लिखी है ये वाली पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से है एल ए बी एच टेलीग्राम में जाओगे ये नाम लिख दोगे एल ए बी एच एस आई एन जी एच एन ए आई एन इसी नाम से जो है अपना टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल के अंदर ये वाली जो पीडीएफ है मैं शेयर करने वाला हूं